नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जीएसटी ओबीसी आयोग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। समाजवादी परिवार में फिर घमासान की सुगबुगाहट, अखिलेश ने की पार्टी विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक, लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंचे शिवपाल। वहीं मुलायम सिंह यादव ने कल होने वाली बैठक की रद्द। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अयोध्या के महंत धर्मदास और बाबरी मस्जिद कमेटी के हाजी महबूब ने मिलने का मांगा समय, जल्द ही तीनों की लखनऊ में हो सकती है मुलाकात। एमसीडी चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पुराने पार्षदों का टिकट काटने का पार्टी का फैसला, पुराने पार्षद या उनके रिश्तेदारों को टिकट मिलने पर विरोध संभव। यूपी के संत कबीर नगर रेलवे ट्रैक से मिले चार जिंदा बम, पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर, इलाके में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर झारखंड के सीएम, राज्य में सभी अवैध बूचड़खाने बंद करने का दिया आदेश। अमेरिकी धरती पर मोदी मैजिक की गूंज, विधानसभा चुनाव में जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई। मजबूती के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 130 अंक ऊपर, वहीं निफ्टी 9100 के करीब पहुंचा। और बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर भारत का कब्जा, चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को दी 8 विकेट से मात, 2-1 से सीरीज की अपने नाम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।